वहीं पे आपका कैट कैन सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैट कैन सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। ओके सर, नेक्स्ट हम लोग राइट साइड में जो स्केच है यहाँ पे वो ड्रॉ करेंगे। नाउ ये देखने के लिए ईजी है, बट इसमें विथ गिवन नंबर ऑफ डायमेंशन इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स एंड हिडन एलिमेंट्स का यूज़ करना होगा। ओके, सो स्टार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ, ये जो सर्कल है R10 का, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये हमें ओरिजिन चाहिए। ओके, सो फर्स्ट न्यू स्केच मिलीमीटर्स, आपको रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो, एंड ओके। स्केच प्लेन सेलेक्ट कीजिए एंड ओके। नाउ अगर आपको स्केच टास्क एनवायरनमेंट में जाना है, सो यहाँ पे मोर में जाके ओपन इन स्केच टास्क एनवायरनमेंट एंड यहाँ पे ओनली स्केचर वर्कबेंच के टूल शो करेगा। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे हमें R10 का सर्कल है, सो सर्कल ऑलराइट पैरामीटर मोड ये सेंटर होगा आपका एंड डायमीटर 20, रेडियस 10 है तो। ओके, एंड नाउ ये आपका फर्स्ट सर्कल हो गया, ऑलराइट थोड़ा सही से रीअरेंज करो। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये कर्व शो कर रहा है R50 का, देन उसके बाद R60 का, एंड ये अटैच हो गया एक रेक्टेंगल से जिसका हाइट एंड विड्थ दिया है ऑलरेडी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये जो है ये कर्व इस सर्कल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको जो डायमीटर दिया है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इस कर्व को R50 के कर्व को एंड R10 के सर्कल को बायटेंजेंट लाइन होगा यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट अब हम लोग राइट साइड ड्रॉ करेंगे ये जो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ विड्थ एंड हाइट आपके पास है। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक सिंपल रेक्टेंगल, ऑलराइट अगर आपको सेंटर रेक्टेंगल चाहिए फ्रॉम सेंटर आप ड्रॉ कर सकते हो एंड इस सेंटर से आप यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब इसका जो विड्थ होगा मीन्स ये जो आपका विड्थ है ये 10 का विड्थ है, ऑलराइट सो आप यहाँ पे 10 मेंशन कर सकते हो एंड हाइट जो रहेगा इसका वो 40 का हाइट है। ओके, एंगल सॉरी एंगल हमें 90 नहीं चाहिए, सो अगेन विड्थ 40 सॉरी 10 हाइट 40 एंड एंगल जो है आपका वो 180 का आएगा, सो 180 ऑलराइट। ओके, सो डायमेंशंस को आप रीअरेंज कर सकते हो वैसे। ओके, अगर आपको एंगल नहीं चाहिए एक्स्ट्रा डायमेंशन हो रहा है सो इसे डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए एंड आपका ये जो लाइन है इसे आप सिलेक्ट करके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में वर्टिकल कर सकते हो, सो वर्टिकल। ओके, एंड अगर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है वो भी आप कर सकते हो, ऑलराइट। नाउ ये देखो ये 40 दिया बट यहाँ पे ये 20 डिस्टेंस आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, ऑलराइट। सो मैक्स सिमेट्रिक का एक ऑप्शन होगा, मैक्स सिमेट्रिक आप इन टू एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन सेंटर लाइन में आपका ये एक्सिस आएगा। ओके, सो वो सिमेट्रिक हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा जो वीक डायमेंशन था 20 वो चला गया। अब ये डायमेंशन जो है ये गिवन नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे ऐसे ही रख रहे हैं, देन इसके बाद हम लोग अब ये कर्व्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो एंड पॉइंट से कर्व स्टार्ट हो रहा है जिसका रेडियस होगा 60, सो आर्क 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होगा एंड रेडियस आना चाहिए 60। ओके, ये एक आर्क हो गया। नेक्स्ट इससे और एक आर्क स्टार्ट होगा जिसका रेडियस होगा 50, सो अगेन आर्क 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड रेडियस 50 एंड ये इसे टेंजेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो टेंजेंसी अप्लाई हो चुका है। ओके, एंड नाउ यहाँ से एक लाइन इस सर्कल से कनेक्ट होगा जो बाय टेंजेंट लाइन होगा। सो लाइन पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड इस सर्कल पे पॉइंट आना चाहिए। ओके, अब इन दोनों में टेंजेंसी नहीं है तो आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में जाके टेंजेंसी सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब देखो यहाँ पे R50 अप्लाई हो चुका है, R60 अप्लाई किया हमने। ओके, देन यहाँ पे लाइन होगा। नेक्स्ट अब ये जो कर्व है इसे हमें नीचे मिरर करना है, ऑलराइट। सो मिरर कर्व, कर्व सिलेक्ट कीजिए, टेंजेंसी ये तो अपने आप ही कंप्लीट कर्व सिलेक्ट हो जाएगा एंड सेंटर लाइन में आपको एक्स एक्सिस सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ओके, ऑलराइट।
अब देखो यहाँ पे थ्री ऑटो डायमेंशंस है क्योंकि अभी तक हमने कंप्लीट डायमेंशंस नहीं किए। सो अब देखो यहाँ पे इस कर्व के बीच में 528 मींस 28 का डिस्टेंस है। सो अगेन रैपिड डायमेंशन, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इनमें डिस्टेंस होगा आपका 28 का। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 40 है मींस ये जो हमने लाइन निकाला है जो बाय टेंजेंट लाइन, वो बाय टेंजेंट लाइन जहाँ पे आपका कनेक्ट होगा वो पॉइंट्स में 40 का डिस्टेंस है। सो अगेन रैपिड डायमेंशन, आपका ये पॉइंट रहेगा फर्स्ट, ये पॉइंट रहेगा सेकंड एंड लास्ट वन, यहाँ पे डिस्टेंस होगा आपका 40। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे स्टिल एक जो है आपका वीक डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है। ओके फर्स्ट हम लोग इसे ट्रिम कर लेते हैं। सो क्विक ट्रिम, ये इनसाइड पार्ट ट्रिम हो जाएगा। ओके स्टिल ये जो है एक डायमेंशन मिसिंग है, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो अब कोई भी एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं है लेफ्ट साइड में। सो आपका ये जो पॉइंट है इस कर्व का पॉइंट, ये इस लाइन के साथ और इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए। ये यहाँ पे गिवन नहीं होगा बट आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ऑलराइट, ये आपको यहाँ पे नोटिस होगा। सो आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में जाके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जब इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को करोगे, अब देखो वीक डायमेंशन चला गया। स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, ओके विदाउट वीक डायमेंशन मीन्स जितने डायमेंशन गिवन है उसमें फुल्ली कंस्टेंट हो जाएगा। अब राइट साइड में जो स्केच है वो एकदम सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 20, 30 एंड 20, सो सिंपल प्रोफाइल से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहेगा आपका 20, डाउनवर्ड रहेगा आपका 30 एंड ये अगेन रहेगा आपका 20। ओके अब ये एक्स्ट्रा डायमेंशन है क्योंकि हमने इसे सिमेट्रिक नहीं किया। सो मैक्स सिमेट्रिक फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड ये आपका एक्सिस होगा। नाउ ये सिमेट्रिक के बाद ये जो है आपका 20 डबल हो गया इसलिए ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा। सो इसे डिलीट कर दीजिए एंड अब आप देख सकते हो फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। ओके एंड लास्ट वन यहाँ पे कर्व है। नाउ इस कर्व का डायमेंशन यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके सो आप कोई भी डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये डायमेंशन कहीं पे भी गिवन नहीं है। सो सिंपली आप थ्री पॉइंट आर्क फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड अब यहाँ पे मैं 20 अप्लाई कर रहा हूँ। ओके सो ये आपका स्केच ऐसे फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ऑलराइट यहाँ पे जस्ट ट्रिक है कि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए एंड ये जो लाइन है ये भी यहाँ पे आपको क्लियरली शो नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लेना है। ऑलराइट